नियमों को ताक पर रखा। वाराणसी में गंगा में नहर खुदाई पर सिंचाई विभाग दोषी। एनजीटी की पीठ बोली, ऐसी गलती पर माफी। वाराणसी में गंगा घाटों पर पानी के दबाव कम करने के दावे के साथ दो साल पहले 80 से राजघाट के समानांतर नहर की खुदाई पर सिंचाई विभाग को दोषी माना गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के सख्त रुख को देखते हुए सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने अपनी गलती मानी है। एनजीटी के समक्ष कहा है कि जानकारी के अभाव में गलती हुई है। आदेश के वक्त एनजीटी की पीठ ने दो टूक कहा कि भविष्य में ऐसी गलती पर माफी नहीं मिलेगी। इसके साथ ही नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को देशभर की नदियों में खुदाई के लिए महीने भर में ड्रेजिंग नियमावली बनाने का आदेश भी दिया गया है। पीठ ने कहा कि बेहद चौंकाने वाली बात है कि गंगा पार रेती पर नहर बनाने में नियमों को ताक पर रख दिया गया। गंगा में ड्रेजिंग से निकले हुए मटेरियल को टेंडर के जरिए बेचना नियम के विरुद्ध है। ड्रेजिंग से निकले हुए बालू का इस्तेमाल सरकारी कार्य तटबंध बनाने और कटाव रोकने में ही किया जा सकता है। ड्रेजिंग के लिए NMCG और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति ली जानी थी, लेकिन वह भी नहीं ली गई। 3 महीने के अंदर विशेषज्ञों की टीम गठित करने का आदेश। एनजीटी के 4 सदस्यीय पीठ के जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता में जस्टिस सुधीर अग्रवाल, जस्टिस अरुण कुमार त्यागी और डॉक्टर एस सेंथिल वेल ने रविवार को केंद्र और राज्य सरकार को NMCG के समन्वय से नदियों में सिल्ट के निस्तारण के लिए 3 महीने के अंदर विशेषज्ञों की टीम गठित करने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया कि NMCG देश भर की नदियों में ड्रेजिंग की नियमावली 1 महीने के अंदर तैयार करे। जो नियमावली बने उसे NMCG की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाए, इसका विभिन्न माध्यमों से प्रचार भी किया जाए। एनजीटी ने विशेषज्ञों के निर्देश पर सिल्ट निस्तारण की कार्य योजना तैयार करने के भी आदेश दिए। गंगा पार नहर खुदाई के मामले में एनजीटी के सख्त रुख से सिंचाई विभाग ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और कहा कि उसने जानबूझकर ऐसी गड़बड़ी नहीं की है। सुनवाई के दौरान सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव की तरफ से वकील ने कहा कि हमें तो यह जानकारी ही नहीं थी कि ड्रेजिंग के लिए NMCG की अनुमति लेनी होगी। हमने यह काम भरोसे में किया था। हमें यह भी नहीं पता था कि ड्रेजिंग मटेरियल को बेचा नहीं जा सकता है। हमने जानबूझकर गलती नहीं की है। फिलहाल एनजीटी ने सुनवाई के बाद आदेश देते हुए कहा कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। याचिकाकर्ता की तरफ से वकील सौरभ तिवारी ने तर्क दिया कि गंगा पार रेती पर अवैध खनन किया गया था और बाढ़ में वह भी बह गया। इसके बाद भी खुदाई की गई और उसे बेचा गया। इसके लिए NMCG की ओर से कोई अनुमति नहीं ली गई। नहीं मानी थी विशेषज्ञों की सलाह। गंगा पार रेती पर जब नहर बनवाने का फैसला हुआ तो नदी वैज्ञानिक प्रोफेसर UK चौधरी, प्रोफेसर विशंभर नाथ मिश्र व प्रोफेसर BD त्रिपाठी ने सवाल उठाए और कहा था कि जलस्तर बढ़ने के साथ ही नहर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, करोड़ों रुपए बेकार हो जाएंगे। जैसे ही नदी का जलस्तर बढ़ा वैसे ही नहर का अस्तित्व खत्म हो गया। अगर वैज्ञानिकों की सलाह मानते तो बड़े नुकसान से बचा जा सकता था।